हेलो गाइस, माय सेल्फ राजकुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे आज के आप एंटी रैगिंग फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आपको कॉलेज वाले ने दो लिंक दिए होंगे, तो मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये लिंक। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है जिस पर रजिस्ट्रेशन होगा। तो आइए हम इसको भरते हैं। तो इन चीज़ ये इस फॉर्म को भरने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक जीमेल और आपका नाम और मोबाइल नंबर। तो ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो मैं जैसे रजिस्ट्रेशन की एक लिंक दूंगा तो वहाँ ये खुलेगा, ये वाला पेज ओपन होगा। तो नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और स्टैंडा कॉलेज पे करना है। तो स्टैंडा कॉलेज पे आप जैसे कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो उस पर यहाँ पर आपका कॉलेज मिल जाएगा। और एफिलिएट कॉलेज पे क्लिक करेंगे तो आपको 12th तक के कॉलेज मिलेंगे यहाँ पर, और यूनिवर्सिटी आप जानते हैं ऊपर के कॉलेज। तो हम स्टैंडा कॉलेज पर क्लिक करते हैं तो ये आपको फॉर्म मिलेगा यहाँ पर। इसको फॉर्म को आपको भरना है, तो जैसे मैं भर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम में आपका नेम और मिडिल नेम में आपका नेम अगर हो तो मिडिल नेम, सरनेम आपका, फिर जेंडर, फिर नेशनलिटी इंडियन, स्टेट आपका जो भी हो, सिटी जो भी आपकी हो, मोबाइल नंबर आपका, और ईमेल ध्यान रखनी है, जो आपको यहीं डालनी है वही रजिस्ट्रेशन पर डालनी है। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन में डाल रहे हो वही डाउनलोड करते हुए टाइम PDF पर डालनी है। तो पेरेंट्स, गार्जियंस नेम, मतलब इनको सारी डिटेल्स को फिल कर लेना। और GP, स्पेशली फॉर GP काशीपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक डायरेक्टर नेम है, तो वो आपको डायरेक्टर नेम और डायरेक्टर मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर, वो आपको GP काशीपुर की वेबसाइट पर मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो मैं इसको भर लेता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पर कॉलेज नेम भरेंगे ना अपना, तो यहाँ पर कॉलेज नेम भरेंगे तो इस पर क्लिक किया मैंने, जैसे तो यहाँ पर कॉलेज कोड और कॉलेज नेम ये डायरेक्ट फोटो फिल हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट नेम, डायरेक्टर नेम आपको वेबसाइट, अपनी कॉलेज की वेबसाइट पर मिल ही जाएगा। तो देन आपको फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ये सारी प्राइवेसी को, पॉलिसी को टिक कर देना है। देन आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फ़ोन नंबर ऑफ नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन, तो ये आपको गूगल करना है, वहाँ मिल जाएगा आपको। गूगल पर सर्च करना है एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा इसको। ठीक है, तो लैंडलाइन नंबर डालने के बाद आपको ये यहाँ पर क्लिक कर देना है, आई हैव चेक्ड दिस द फॉर्म एंड कन्फर्म दैट ऑल और सारी डिटेल्स कन्फर्म है, तो सबमिट फॉर्म करना है आपको। तो जैसे सबमिट फॉर्म किया, प्रोसेस हो रही है, थोड़ा वेट कीजिए। तो सबमिट होने के बाद जैसे आपने सबमिट पर क्लिक किया तो उसके बाद ये सारी आपको डिटेल मिलेगी यहाँ पर। तो मैंने तो खैर ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन किया। तो आपको क्या करना है, ये आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगी, तो इसको नोट कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है आपको इसको, और एक जीमेल और आपका नाम। ठीक है, ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगले स्टेप्स के लिए बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको मैं दो लिंक दूंगा, तो पहली तो होगी फॉर्म रजिस्ट्रेशन की और दूसरी होगी PDF जो आपका एफिडेविट है उसको डाउनलोड करने की। तो आपका रेफरेंस नंबर जो था उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर डालिए, और रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी को यहाँ पर डालिए, और मोबाइल नंबर जो इसने आप जिस नंबर से आपने वहाँ पर एफिडेविट बनाया था उस नंबर को यहाँ पर डालिए, आप फिल कीजिए और सबमिट क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको यहाँ, मतलब यहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे PDF डाउनलोड करने के लिए, तो आपको एक सबमिट का बटन है, ये सबमिट पर क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया सबमिट बटन पर, सिंपल। ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड फाइल अगेन, मतलब मैंने एक बार डाउनलोड कर चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो डाउनलोड अगेन कर लेना है, आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। ठीक, या आपको PDF शो हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से PDF यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ये PDF शेयर करके किसी को कैफ़े वाले से प्रिंट करा लेनी है, या आपके पास प्रिंटर हो तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड बात, ये यहाँ पर आपको अपने यहाँ पर आप उस डेट को डालिए जिस दिन आप कॉलेज में सबमिट करोगे। ठीक है, और वेरीफाइड एट, तो यहाँ पर भी मतलब कहाँ, कौन से कॉलेज, किस जगह आपने वेरीफाई किया, मतलब जैसे कि मैं काशीपुर का स्टूडेंट हूँ तो ओब्वियसली काशीपुर ही डालूँगा, वेरीफाइड एट काशीपुर। और डेट ऑन के जस्ट आगे क्या डालना है, डेट, तो किस डेट को आप सबमिट कर रहे हैं। तो सिग्नेचर ऑफ डिपॉन्ट
ठीक है, यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, और सेकंड ये पेज जो है ये आपके पेरेंट्स के लिए, तो ठीक है यहाँ पर सिंपली वही ऊपर वाली प्रोसेस, ठीक है, डिक्लेयर्ड ऑन, ठीक है, किस डेट को डिक्लेयर्ड हुआ, और वेरीफाइड एट कहाँ वेरीफाई हुआ, और ऑन कहाँ मतलब कौन सी डेट को कौन सी डेट को हुआ, तो सिग्नेचर ऑफ डिपॉन्टेंट, ठीक है, सॉरी पढ़ने में गलती हो रही है। तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर, ठीक है, बस यही था, और आपको प्रिंट करा के सबमिट कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।